तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ऑल न्यू मारुति सुजुकी एल्टो का फुल वर्कराउंड वीडियो, जो कि 2022 में आया है, अभी फ़िलहाल में ही लॉन्च हुई है। बहुत ही अच्छा लुक आ जा रहा है ये अल्टो का, आप लोग देख सकते हैं। मतलब अल्टो तो इसको नाम तो अल्टो ही है, लेकिन ये पूरा कोई एंगल से अल्टो नहीं लग रहा है। हाइट की बात की जाए, लेग रूम की बात की जाए, नी रूम की बात की जाए, कुछ में मतलब ये अल्टो लग ही नहीं रहा है। इतना हाइट है, इतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस है गाड़ी का, मतलब इसका तो बात ही नहीं किया जाए, ऐसा ये गाड़ी है। आप लोग साइड से देख सकते हैं। और हाँ, टायर साइज भी इसका अलग आया है, अभी ये 13 इंच का इसमें अब टायर मिलने लगा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी लुक है साइड में, आप लोग को मतलब कोई भी सिंपल सा लुक है सुजुकी का, छोटा सा लोगो, हेडलाइट आप लोग को हाइलोजन मिल जाएगा गाइस। तो यहाँ पे आप लोग सुजुकी का लोगो देख सकते हैं, छोटा सा अल्टो K10 है ये, 1000 cc का है अल्टो K10। लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ जा रही है अल्टो K10 का। तो चलिए हम लोग चलते हैं साइड से राइट साइड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ORBM आज आप लोग को बॉडी कलर में नहीं आएगी, ब्लैक कलर में आएगी, जो कि थोड़ा सा बियर्ड लगता है, थोड़ा सा ख़राब लग रहा है लुक को। यही बॉडी कलर में आती तो अच्छा लगता है। बीपी आप लोग को साइड फेंडर में इंडिकेटर मिल जाएगी, आप लोग को मतलब कोई भी स्क्रिप्ट प्लेट ये सब नहीं मिलेगी। और बैक से बात की जाए तो अल्टो का लोगो, सुजुकी का बैजिंग, यही सब मिल जाएगा। टेल लाइट आप लोग को मतलब डायनामाइक टाइप टेल लाइट मिल जाएगा, अल्टो K10 की लोग बैजिंग मिल जाएगी, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगी, और ना इसमें कोई डिफॉगर, ना कोई इसमें आप लोग को वाइफर, ये सब कुछ नहीं मिलेगी गाइस। जो है सो सिंपल सा लुक है। तो ये आप लोग को इंटीरियर से ऐसा कुछ लुक आ जाएगा, ये आप लोग इंटीरियर से देख रहे हैं गाइस। आप लोग को ये 4 सीटर का वेरिएंट है, इसमें अब ऑटोमेटिक गियर भी आता है अल्टो का, इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला भी न्यू वेरिएंट दे दिया है। बहुत ही अच्छा लेग रूम है, बहुत ही अच्छा नी रूम है, बहुत ही अच्छा हाइट है गाड़ी का। आप लोग को बैठने पे जो पहले बैठते थे तो लगता था डाउन में बैठे हुए हैं, नीचे कार में बैठे हुए, वो आप कोई फील नहीं आएगा। बहुत ही ऊंचा ये कार है, अब इसमें आप लोग को कोई नीचा फील नहीं आएगा, लगेगा कि मैं कोई SUV में बैठा हूँ, ऐसा लगेगा गाइस। तो यहाँ पे आप लोग को 2 एयरबैग मिल जाएगी, यहाँ पे मतलब 2 SRS एयरबैग मिल जाएगी, स्टैंडर्ड एयरबैग, ABS, EBD मिल मन सॉरी गाइस ABS नहीं मिलेगी। आप लोग को सेंटर लॉकिंग, रिमोट लॉक मिल जाएगी, सीट बेल्ट रिमाइंडर, यही सब मिल जाएगी। और कुछ खास ज़्यादा इसमें आप लोग को क्या देगी ये जो प्राइस सेगमेंट में बनाती है, उसमें इतना ही दे दी, बहुत ज़्यादा दे दी। गाड़ी की बात की जाए तो आप लोग को वो डोर हैंडल सिल्वर फिनिश में मिलेगी। चलिए हम लोग इंटीरियर में चलते हैं। तो ये आप लोग इंटीरियर से देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक गियर वाला वेरिएंट है, जो कि टॉप मॉडल आता है। मैनुअल AC मिल जाएगी, आप लोग को टच स्क्रीन मिल जाएगी, जो कि ये 6 इंच की टच स्क्रीन, AC वेंट सराउंडिंग टाइप मिल जाएगी, और बीच का AC वेंट आप लोग को बॉक्सी टाइप में मिल जाएगी। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल मिल जाएगी, ऑडियो माउंटेन कंट्रोल मिल जाएगी गाइस। स्टीयरिंग पे आप लोग को 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगी, आप लोग को स्टीयरिंग व्हील पे सिल्वर इंसाइट मिल जाएगी। ये आप लोग म्यूजिक सिस्टम देख रहे हैं, जो कि सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, मीडिया, सुजुकी कनेक्टिंग सिस्टम, FM रेडियो, ऑक्स, ये पेन ड्राइव,
ऐसा कुछ आप लोग को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग हजार लाइट का पावर विंडो का बटन, ये आप लोग को कुछ ऐसा स्पीडोमीटर मिल जाएगी। फुल डिजिटल है, फुल मतलब फुल डिजिटल है, फुल न्यू कॉन्सेप्ट जैसा ये एस्प्रेसो में आता है वैसा ही है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं।